उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर पर्यावरण को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अलावा स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष के साथ गांधी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जहां बड़ी तादाद में छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। गुरुवार को भाजपा नेता अनिल चौहान और यूनियन के जिलाध्यक्ष राजीव चावला, महानगर अध्यक्ष मनोज आर्या की मौजूदगी में गांधी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, विधायक शिव अरोड़ा के अलावा पत्रकारों द्वारा किया गया। इस दौरान गांधी पार्क परिसर में दर्जन भर छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि पौधारोपण मुहिम के प्रति हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ समाज की स्थापना करती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का समाधान भी पौधारोपण है। उन्होंने पेड़ चिपक का चिपको आंदोलन शुरू किया था इस प्रदेश में, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी उत्तराखंडवासी हरेला पर्व को बहुत धूमधाम और उल्लास से मनाते हैं। पेड़ लगाने आवश्यक हैं, खासकर आज के समय इस समय में पेड़ लगाएं और लगाएं ही ना, पेड़ को बचाने का भी हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। अपनी धरती माँ को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो हमारे पास संदेश है कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं और लगाएं उसे बचाएं, इसको भी हमें ध्यान रखना है। धरती के पर्यावरण को और सुंदर करने के लिए और अच्छा करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम पर्यावरण को बचाएं, और इसके लिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।